लॉरेंस फोर्स किस चीज के बारे में हो देखें, मान लो यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है, तो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, कितनी क्यू ई, नेगेटिव होता तो इन द डायरेक्शन अपोजिट टू फील्ड लगती, पॉजिटिव पे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इसको हमने बोला इलेक्ट्रिक फोर्स और फॉर्मुला बना क्यू ई, वेक्टर फॉर्म में लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन वही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। फिर हमने ये पढ़ा कि मान लीजिए किसी रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड है, कैसी मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हम, इनवर्ड, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, कैसी है, इनवर्ड, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्लेन के अंदर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे प्लेन के अंदर जा रही है, कुछ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है, और इसके अंदर कोई एक चार्ज पार्टिकल है जो कि वी स्पीड से चल रहा है। मैग्नेटिक फील्ड में कंडीशन ये होती है कि चार्ज मूविंग हो तभी फोर्स लगेगी इसके ऊपर, तो ये वी स्पीड से चल रहा है तो इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स को हमने बोल दिया एफ एम, और बच्चों इसका फॉर्मुला होता था क्यू वी बी साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्यू इंटू वी क्रॉस बी, यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो वेलोसिटी वेक्टर के और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर, क्रॉस लगाओगे तो आंसर परपेंडिकुलर। निकालने का तरीका भी सिखाया था राइट हैंड पाम रूल, कि अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लगाओ, थंब को डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज में लगाओ ऐसे, फिर पाम जिधर पॉइंट करेगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, राइट हैंड के पाम को खोलो, फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जिधर पाम पॉइंट करे दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ये रहा, तो अगर वेक्टर फॉर्म में देखो तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन पार्टिकल की वेलोसिटी के और मैग्नेटिक फील्ड के दोनों के परपेंडिकुलर, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड और ये वेलोसिटी दोनों के परपेंडिकुलर लगी फोर्स। आज हम बात करेंगे मान लो कोई रीजन है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तब चार्ज पार्टिकल पे लगने वाली जो नेट फोर्स होगी बच्चों वो कितनी हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू एफ इलेक्ट्रिक प्लस एफ मैग्नेटिक। क्या बात है सर, दोनों चैप्टर कंबाइन हो गए, ये आया मजा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी और मैग्नेटिज्म भी, क्या बात है, यानी अब उस चार्ज पार्टिकल पे दो फोर्सेस लगेंगी, एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक मैग्नेटिक फोर्स। इसी नेट फोर्स को बच्चों हम लॉरेंस फोर्स बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स को भी लॉरेंस फोर्स कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, मान लो कहीं पे इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो हो गई, कहीं पे इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो बन गई, तब मैग्नेटिक फोर्स ही लॉरेंस फोर्स बन जाएगी, है ना। लॉरेंस फोर्स इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं दिस लॉरेंस फोर्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी क्यू ई, ऐसे वेक्टर साइन लगा दिया, और मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी क्रॉस बी, आंसर कैसे आएगा वी क्रॉस बी करके, ठीक है। सो दिस इज द नेट लॉरेंस फोर्स ऑन अ पार्टिकल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड।